ओटीपी बता दीजिए। ओ भाई साहब, ये कहाँ पहुँच गए हम लोग? शायद गांव देहात पहुँच गए क्या भाई? तो ये लगी रैपिडो की हमारी पांचवी राय, चलिए पिक करते हैं। तो वो स्मूथ चलाता है, यानी कि हम प्राइवेट सेक्टर में सबकी जॉब लगवाते हैं। अच्छा, ओला उबर रैपिडो जोमेटो स्विगी। हाँ हाँ, अगर कोई हो आपके रेस्टोरेंट में कोई तो बताइएगा। तो दोस्तों देख लो, कानपुर की सबसे ऊँची बिल्डिंग एमराल्ड गार्डन, बहुत ही ऊँची भाई। ऑनलाइन है? ठीक ठीक भाई, तुम नंबर को बताना, जैसे बताना भाई। क्यूआर कोड से हो जाएगा ना? ठीक, ऑनलाइन में सब्जी बताओ। ओके। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 9:29 और हम आ चुके हैं बाई टैक्सी रैपिडो और ओला में वर्क करने। आप देख सकते हो रैपिडो में भी हम ऑनलाइन हैं इस समय, और आपको दिखा देता हूँ चाहता हूँ ओला में भी हम ऑनलाइन हैं, क्योंकि ओला में लास्ट टाइम कोई राइड उस दिन असाइन नहीं हुई थी। तो आज देखते हैं आज ओला में राइड मिलती है या फिर नहीं मिलती, या फिर ओला में आज भी खाली हाथ रहना पड़ेगा। तो फिलहाल दोनों प्लेटफॉर्म ऑनलाइन आ चुके हैं, अब देखते हैं आज हमारी अर्निंग कितनी होती है। और आज हम टोटल 5 घंटे वर्क करने वाले हैं बाइक टैक्सी में, तो देखते हैं आज 5 घंटे में हम कितना अर्निंग कर पाते हैं। तो वैसे जो है पहला ऑर्डर हमें मिल गया है, पहली राइड मिल चुकी है रैपिडो की, चलिए इसको पिक करते हैं। एंड ये राइड हमें मिली है 9:33 पे, इस राइड को हम फटाफट कम्प्लीट करते हैं। थोड़ा पिकअप लोकेशन 1 किलोमीटर के आसपास है, चलिए यहाँ फटाफट यहाँ पे इनके डेस्टिनेशन चलते हैं, कस्टमर को पिक करते हैं एंड इस ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं कस्टमर की डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे कस्टमर पिक करना है। एंड ये हम खड़े हैं चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल के सामने, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे स्टार्ट राइट पे क्लिक करते हैं, एंड आई थिंक कस्टमर यही है शायद सामने वाले, कंफर्म कर लेते हैं फटाफट। सर आपने राइड बुक करी थी क्या? अच्छा, ओटीपी बता दीजिए। ओके, तो दोस्तों हमें यह हमें राइड मिली है अप्रॉक्सीमेट 4.5 किलोमीटर की, जो कि चंद से घर आज़ाद यूनिवर्सिटी में अंकल को ड्रॉप करना है। तो इस राइड को फटाफट हम कंप्लीट करते हैं एंड अंकल के बताए गए शॉर्टकट रास्ते पे चल के इस राइड को फटाफट डन करते हैं। ओ भाई साहब, ये कहाँ पहुँच गए हम लोग? शायद गाँव देहात पहुँच गए क्या भाई? तो सामने आप दोस्तों जो स्टैचू आप देख रहे हो, ये हमारे आइकॉनिक आइडल चंद्रशेखर आज़ाद जी का स्टैचू है, बिगेस्ट स्टैचू जो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर प्रांगण में देखने को मिल जाएगा जब आप यूनिवर्सिटी आओगे, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी। तो अब हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो जो अंकल को हम लेके आए हैं, ये फिज़िक्स के प्रोफेसर हैं जो यहाँ पे फिज़िक्स पढ़ाते हैं। तो अच्छा लगा अंकल से मिलकर, एंड फाइनली इस राइड को ड्रॉप करते हैं एंड देखते हैं 4.6 किलोमीटर की इस राइड पे हमें कितनी अर्निंग होती है रैपिडो से। तो फाइनली इस राइड को हम कंप्लीट करते हैं। 41 ड्राइविंग आपकी बहुत साफ है, एकदम एकदम स्मूथ चलाता है। ऐसे बाहर निकलेंगे लेफ्ट चले जाएगा तो ये कंपनी मार्क निकल। अच्छा अच्छा, तो लगाए हुए जी जी GoPro वाला है। हाँ, व्लॉगिंग हम करते हैं और अच्छा, चैनल भी हमारा, यानी कि हम प्राइवेट सेक्टर में सबकी जॉब लगवाते हैं। अच्छा, ओला उबर रैपिडो जोमेटो स्विगी। हाँ हाँ, अगर कोई हो आपके रेस्टोरेंट में कोई तो बताइएगा। धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे तैसे फर्स्ट राइड तो हमारी कंप्लीट हो गई रैपिडो की, एंड अब हम लोग आ चुके हैं एमराल्ड गार्डन के सामने, जो कि भाई कानपुर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। आप यहाँ पे सामने देख सकते हो, ये जो बिल्डिंग आप देखने मिल रही होगी कानपुर की सबसे बिगेस्ट ऊंची बिल्डिंग है। एंड आपको सबसे टॉप फ्लोर पे यहाँ पे हेलीपैड भी है, जहाँ पे हवाई जहाज भी उतरते हैं, कम से कम बहुत ही महंगे महंगे यहाँ पे अपार्टमेंट है। तो यहीं से हम लोग गुजर रहे थे तो हमने सोचा आपको दिखाते हैं इस अपार्टमेंट को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शायद अब हमें नेक्स्ट राइड मिले इसी लूप से, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर फ्लो अच्छा खासा है, डिमांड। तो फाइनली 10:20 पे हमें रैपिडो की सेकंड राइड मिल चुकी है, और उल्लू भाई साहब ये भाई एमराल्ड गार्डन की ही है। चलिए यहाँ पे कस्टमर के पास हम लोग चलते हैं, एंड आई थिंक कस्टमर सर लेडीज़ कस्टमर है,
तो यहाँ पे हम लोग वेट करते हैं मैम का। तो आई थिंक ये जो मैम आ रही है, आई थिंक यही है इन्हीं का राइड है, पूछ लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। मैम नीली से मैम का जी जी ओके ओके नीली से हाँ मैम ओटीपी बता दीजिए। मैम आप ठीक हैं? तो दोस्तों अभी ये राइड बहुत ही शॉर्ट राइड है, अप्रॉक्सीमेट 2.1 किलोमीटर की राइड है। चलिए फटाफट इस राइड को कंप्लीट करते हैं और मैम को बहुत जल्दी है ऑफिस जाने की, तो इसलिए थोड़ा स्पीड में चलते हैं एंड इस राइड को फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं मैम की डेस्टिनेशन पे एंड मैम आई थिंक मुथुट फाइनेंस ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसमें काम करती हैं एंड फटाफट इस राइड को हम कम्प्लीट करते हैं, देखते हैं इस शॉर्ट राइड 2.1 किलोमीटर राइड पे कितनी अर्निंग होती है। तो भाई साहब 28 रुपीज़ मिला है हमें इस राइड कंप्लीट करने पे, फटाफट हमने पेमेंट्स ली एंड इस राइड को हमने डन करा। तो ये हमारी हो गई है सेकंड राइड ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड भाई साहब जैसे डन किया मुश्किल 10 मिनट वेट करने बाद हमें रैपिडो की थर्ड राइड फिर से मिल गई है जो कि नमन जी के नाम से है। तो चलिए इनके लोकेशन चलते हैं, इस राइड को पिक करते हैं एंड इस समय फ़िलहाल हम पी रोड पर हैं, चलिए कस्टमर को पिक करते हैं फटाफट। अरे मैडम आगे पीछे तो देख लिया करो। इंतहा हो गई इंतज़ार की एंड कस्टमर अभी तक नहीं आए एंड फाइनली 10 मिनट के बाद कस्टमर आए हैं, लेडीज़ कस्टमर हैं। फटाफट मैम से ओटीपी लेते हैं क्योंकि इस छोटी सी राइड पे बहुत डिले हो चुका है और इस राइड को हम फटाफट कंप्लीट करते हैं। थर्ड राइड है हमारी रैपिडो की, देखते हैं इस 1.8 किलोमीटर राइड पर हमें कितनी अर्निंग होती है। तो मैम की लोकेशन पे हम लोग आ चुके हैं एंड मैम को जरा फर्स्ट ड्रॉप कर लेते हैं। तो इस राइड पे हमें मिले हैं टोटल 23 रुपीज़ जो कि काफ़ी अच्छा खासा है, शॉर्ट राइड पे अच्छी खासी अर्निंग देता ही है रैपिडो, तो 23 रुपीज़ मिले अच्छी बात। अब हम लोग यहाँ पे ब्रह्म नगर चौराहे को क्रॉस कर रहे हैं एंड वेट करते हैं थोड़ा आगे, शायद यहाँ से कोई राइड मिल जाए क्योंकि अभी तो मॉर्निंग टाइम ही है। तो फाइनली मिल चुकी है हमें फोर्थ राइड रैपिडो की और सिवांस करके हैं इस राइड के जो ओनर है। तो चलिए इस राइड को भी हम पिक करते हैं, फोर्थ राइड है रैपिडो की एंड देखते हैं इसमें अर्निंग कितनी होती है। चिड़िया ली गली कहाँ कहते हैं इसको, चिड़िया यहाँ पे है का आगे ये सामने चिड़िया। अच्छा इसे भाई इतनी चिड़िया के लिए चिड़िया गली गली ये तो चिड़िया है, कई जगह वो चीज़ नहीं होती फिर भी उसका। अच्छा बैठ। तो दोस्तों हमें इस राइड को हमें लेके जाना है नवीन मार्केट, जो कस्टमर है उनको ड्रॉप करना है नवीन मार्केट। तो फटाफट इस राइड को कंप्लीट करते हैं एंड देखते हैं 3.5 किलोमीटर के राइड पे हमें कितनी अर्निंग होती है रैपिडो की। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं नवीन मार्केट एंड इस राइड को हम फटाफट कंप्लीट करते हैं एंड इस राइड पे हमें टोटल मिले हैं भाई साहब 33 रुपीज़, बट कोई नहीं कस्टमर ने हमें टोटल 40 रुपीज़ दिया है क्या। तो इस राइड को डन करने के बाद हमने यहाँ पे होम रोड बुकिंग लगा दी, तो हमें नेक्स्ट राइड फिर से मिल गई रैपिडो की जो कि हमारे घर के पास की थी गोपाला टावर। तो फटाफट हम इस राइड को पिक करने चलते हैं जहाँ कि अप्रॉक्सीमेट शताब्दी जो बस स्टेशन है वहाँ से कस्टमर को पिक करना है और गोपाला टावर पर ड्रॉप करना है। तो जल्दी जल्दी हम कस्टमर को यहाँ पर पिक करते हैं। तो आई थिंक ये कस्टमर हैं, कहाँ चलो गोपाला टावर, ठीक ऑनलाइन है ठीक है, तुम नंबर भी बताना जैसे बताना वैसे क्यूआर कोड से हो जाएगा ना, ठीक ऑनलाइन में कुछ भी बताओ। ओके तो दोस्तों अब इस राइड को फटाफट डन करके हम निकलते हैं अपने घर की ओर और आज की हमारी जो अर्निंग बनी है 5 घंटे में बाइक टैक्सी में बुक करके जो अर्निंग हमने अर्निंग करी है वो मैं आपको बता देता हूँ चाहता हूँ। तो भाई आज हमारी टोटल जो स्कूटी है वो चली है अप्रॉक्सीमेट 35-40 किलोमीटर और आज जो हमने अर्न किया है वो मैं बता दूँ ओला की ऑफ राइड को जोड़कर तो अप्रॉक्सीमेट
95 रुपीज़ हमने टोटल अर्न किया है, जिसमें से अगर हम पेट्रोल हटा दें तो अप्रॉक्सीमेट हमने आज अर्न किया है 230 to 240 rupees। ठीक है, तो कोई बुरा नहीं है 5 घंटे में इतना, बट फूड डिलीवरी वर्क करता तो उससे ज़्यादा अर्निंग होती जोमेटो एंड स्विगी में। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।